गाइस वेलकम बैक टू चैनल। पहले तो मैं सभी को सॉरी मानना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं इस चैनल में मैं ड्राइंग का वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि मैं ड्राइंग ही नहीं कर पा रहा था। तो गाइस इस वीडियो बहुत ही डिटेल वर्क है और बहुत ही मेहनत से बनाई है, लगभग 20 आवर्स से भी ज़्यादा लगा है। इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सेटिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो से पहले मैं एक आउटलाइन का ट्यूटोरियल वीडियो मैं इस चैनल में लाया था जो कि अच्छा खासा व्यू भी है। तो आप नहीं उसको नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और फोटोग्राफ का भी लिंक मैं इस जो ड्राइंग कर रहा हूँ उसका फोटोग्राफ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप चाहे तो उसको ड्रॉ करके मेरे को टैग भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो गाइज जो भी नए नए व्यूअर हैं उसको उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर मैं सीधी पेंसिल का यूज़ करके जो भी आई का डार्क लाइन है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले आईबॉल भी मैं उसमें ही ड्रॉ कर दूंगा। आपको 6B में डार्क नहीं हो पा रहा है तो आप 10B या 8B का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं कोई भी ब्रांड का बड़े ब्रांड का पेंसिल यहाँ पर नहीं यूज कर रहा हूँ, बिगिनर के लिए खास करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो भी सीखना चाहते हैं। आईबॉल में मैं व्हाइट जेल पेन का यूज कर रहा हूँ, जो व्हाइट पार्ट है उसके लिए। अभी मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके लाइट से डार्क पर जा रहा हूँ, शेडिंग दे रहा हूँ। मैं पूरी स्किन पर ऐसे ही करूँगा, लाइट से डार्क तक भी जाऊँगा, डार्क जो भी डार्क पार्ट है उसको शेडिंग करूँगा ग्रेड बढ़ाकर, जो कि 4B या 6B को पेंसिल का यूज करके। उसके बाद ही मैं ब्लेंडिंग करूँगा, पहले ब्लेंडिंग नहीं करूँगा, बाद में ही ब्लेंडिंग करूँगा। थोड़ी सी प्रेशर का इस्तेमाल करके आप 2B का भी 2B पेंसिल से भी आप डार्क वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी प्रेशर का यूज करना पड़ेगा। आईब्रो पार्ट के लिए मैं पहले 4B पेंसिल और उसके बाद 6B पेंसिल से मैं जिस डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। फोटोग्राफ पे तो क्लियरली नहीं विजिबल हो रहा है, लेकिन मैं मेरे तरीके से दे रहा हूँ। जैसे भी आई का डायरेक्शन, जो भी आईब्रो का डायरेक्शन होता है उसी तरह से मैं डायरेक्शन में मैं हेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी तरह मैं दूसरी आई को भी ड्रॉ कर रहा हूँ, जो भी डार्क लाइन है उसके लिए मैं 6B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, और जो स्किन का स्ट्रक्चर है उसके लिए मैं लाइट से डार्क जा रहा हूँ, और आईब्रो के लिए मैं डायरेक्शन देखते हुए, हेयर के डायरेक्शन देखते हुए मैं 6B या 8B पेंसिल से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो है इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होगा जो भी सीखना चाहते हैं, बिगिनर के लिए तो बहुत ही खासकर। इसलिए गाइस वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो आप स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को स्किप मत करिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर शेडिंग करने के लिए, आप लेड पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी जो ड्राइंग को मैं 3D इफेक्ट देने वाला हूँ, थोड़ी सी रियलिस्टिक बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं 2B पेंसिल का डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं जो पेचेस है, जो शेडिंग करते समय जो पेचेस है उसको इग्नोर करने के लिए मैं इरेजर का मदद से उसको इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही पेचेस पड़ जाता है जब शेडिंग करते हैं, तो उसको मैं इरेज कर रहा हूँ। और जो भी मुकुट का निचली हिस्सा है, जो डार्क पार्ट है, उसके लिए मैं 8B पेंसिल से उसको ब्लैक पार्ट है जो उसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ पहले से ही। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी जो डार्क वैल्यू है उसको हम बढ़ाएंगे 4B 6B पेंसिल का यूज करके। अभी तक मैंने, आप देख सकते हैं, मैं कोई भी तरह का ब्लेंडिंग टूल नहीं यूज किया हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए ब्रश का यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी तरह का ब्लेंडिंग टूल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कटन बर, टिश्यू पेपर या ब्लेंडिंग स्टम्प, आप कोई भी तरह का ब्लेंडिंग टूल यूज कर सकते हैं। आपको स्मूथ स्ट्रक्चर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप ब्रश या टिश्यू पेपर का भी यूज करें, और जो भी रियलिस्टिक सा लुक देने के लिए थोड़ी थोड़ी सी जगह पर आप ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज कर सकते हैं। मैं शेडिंग के ब्लेंडिंग के तुरंत बाद ही मैं शेडिंग भी थोड़ी थोड़ी सी दे रहा हूँ, क्योंकि रियलिस्टिक सी लुक देनी है तो इसलिए।
जो भी छोटे छोटे हाइलाइटर पर्सन है उसको इरेज करने के लिए मैं टॉम्बो इरेजर का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। उसे क्या हुआ कि जो ड्राइंग है तो थोड़ी सी रियल सी लुक दिखेगी, इसलिए मैं इरेजर का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर और उसको थोड़ी थोड़ी ब्लेंड भी कर रहा हूँ ब्रश की मदद से। अभी मैं नोट्स को रेफरेंस फोटोग्राफ देखते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ जिस तरह से है, और जो भी लाइट डार्क पार्ट है उसको मैं उसी तरह से शेडिंग कर रहा हूँ। लाइट के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ करूँगा और जो भी डार्क पार्ट होगा उसके लिए मैं 4B या 6B पार्ट 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा। उसी पेंसिल से मैं टोटल स्किन पर ही मैं फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ जो कि 2B पेंसिल है, उससे ही मैं फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी डार्क वैल्यू को बढ़ाएंगे, पहले ब्रश से उसके बाद मैं ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करके मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। गाइस आप कोई स्केच ड्रॉ कर रहे हो तो डायरेक्ट ही नहीं ड्रॉ करो, पहले उस फोटो को देखो जो रेफरेंस फोटोग्राफ है उसको देखो कहाँ पर शेडिंग है, कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर डार्क है, उसको ऑब्जर्व करो, उसके बाद ही आप ड्रॉ करो, नहीं तो आपका ड्राइंग रियल सा लुक नहीं देगी। तो पहले ऑब्जर्व करो उसके बाद ही ड्रॉ करो। अभी मैं लिफ्ट पर्सन को जा रहा हूँ, मैं मैकेनिकल पेंसिल की मदद से मैं फर्स्ट लेयर को दे रहा हूँ जो भी लाइट जो भी है। तो मैकेनिकल पेंसिल बहुत ही हेल्पफुल होता है जो भी डिटेल वर्ग है, जो छोटी छोटी पार्ट है उसमें ड्रॉ करने के लिए, उस जगह पर ड्रॉ करने के लिए। थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग भी बढ़ा रहा हूँ और ब्रश से ब्लेंड भी कर रहा हूँ। स्किन पर सेकेंड नेल देने के लिए मैं यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और शेडिंग दे रहा हूँ। उसके बाद ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि टिश्यू पेपर से आप ब्लेंड करोगे तो टेक्सचर बहुत ही स्मूथ सी आएगी। यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी जगह पर। इसी तरह मैं पूरी स्किन पर मैं रेफरेंस फोटोग्राफ को देखते हुए जहाँ पर जितना लाइट और डार्क है उसी तरह से मैं शेडिंग कर रहा हूँ, उसके बाद ब्लेंड कर रहा हूँ 4B और 6B पेंसिल की मदद से और ब्रश की मदद से। लाइट डार्क को देख के ही शेडिंग देना पड़ता है किस जगह पर लाइट है, किस जगह पर डार्क है, किस जगह पर कौन सी पेंसिल यूज करनी है। जो भी डार्क पार्ट होती है उसमें आप 2B का भी पेंसिल इस्तेमाल करके आप 2B से भी आप शेडिंग कर सकते हैं। आपसे नहीं हो पा रहा तो आप 4B का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 4B यूज कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा डार्कर बनानी है फोटोग्राफ को, इसलिए मैं यहाँ पर मैं 4B की पेंसिल का यूज कर रहा हूँ और 6B भी जगह जगह पर यूज कर रहा हूँ। हाईलाइट पर्सन को इरेज करने के लिए मैं यहाँ पर टॉम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज कर रहा हूँ। आप पेंसिल इरेजर की मदद से भी आप इरेज कर सकते हैं। अभी मैं मुकुट पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ। रेफरेंस में अच्छी तरह से डिजाइन नहीं पता चल रहा है तो मैं मेरे तरीके से मैं डिजाइन दे रहा हूँ। तो देखिए मैं किस तरह डिजाइन दे रहा हूँ, और आपको नहीं रेफरेंस में नहीं पता चलेगा तो आप अपने तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं किस तरह से है। इतने टाइम मेरे को फेस बनाने में नहीं लगा, उससे ज़्यादा टाइम मेरे को मुकुट बनाने में लग गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे डिजाइन बना है, इसलिए मेरे को वो डिजाइन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा।
मुकुट में मैं ज़्यादातर मैं व्हाइट जेल पेन का यूज़ किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हाईलाइटेड पर्सन है, तो उसको मैं देने के लिए मैं यहाँ पर ज़्यादा मैं व्हाइट जेल पेन का यूज कर रहा हूँ। जो भी न्यू व्यूअर हैं उनको कहना चाहता हूँ कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही आर्ट रिलेटेड वीडियो आगे भी आपके लिए लाऊंगा। गाइस, इस ड्राइंग को आप ड्रॉ करके आप मेरे को टैग कर सकते हैं, आप मेरे को भेज सकते हैं इंस्टाग्राम में, जो कि उसका लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, तो आप चेक करिए और आप ड्रॉ करके मेरे को भेज भी सकते हैं। आपका ड्राइंग को मैं ज़रूर मैं स्टोरी में डालूँगा। मुकुट में जो भी डायमंड है उसको ब्लेंड करने के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टोन का यूज कर रहा हूँ। रियलिस्टिक सा स्केच ड्रा करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बिगिनर है तो आप डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप पहली बार हो तो आप कभी एक पहली बार में कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। आप पहली बार ड्राइंग कर रहे हो तो एक बार में नहीं होता, ड्राइंग क्या होता है प्रैक्टिस से ही आपका स्किल इम्प्रूवमेंट होता है, तो उससे ही आपका ड्राइंग कैसे है, किस तरह से शेडिंग करते हैं, किस तरह से ब्लेंडिंग करते हैं, किस जगह पर लाइट है, किस जगह पर डार्क है, उसको ऑब्जर्व करके ही आपका ड्राइंग अच्छी होती है, आई रियलिस्टिक सा लुक देती है। तो आप डेली प्रैक्टिस करो, लाइट डार्क को समझो, ज़्यादा ब्लेंडिंग में ना फोकस देकर आप शेडिंग में ज़्यादा फोकस दो, उसके बाद ही आपका ड्राइंग एक रियलिस्टिक सा लुक देगी। रेफरेंस फोटोग्राफ को देखते हुए मैं मयूरपुच को ड्रॉ कर रहा हूँ। जिस डायरेक्शन में लाइनिंग है उस डायरेक्शन में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 6B और 10B पेंसिल की मदद से।
एक एक हेयर को मैं रेफरेंस फोटोग्राफी देखते हुए यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लाइट से डार्क शेडिंग कर रहा हूँ, पहले लाइट उसके बाद डार्क शेडिंग कर रहा हूँ। लाइट के लिए मैं 2B और डार्क के लिए 4B 6B से का पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, और जगह जगह पर मैं ग्राफाइट पाउडर का भी यूज कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर तो मैं स्किन पर तो नहीं दिख रही, लेकिन मैं एक अलग जगह पर मैं ग्राफाइट का पाउडर लिया था और उसके बाद मैं ब्रश की मदद से उसको थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग दे रहा था और ब्लेंडिंग कर रहा था। नेकलेस पर भी बहुत ही डिटेल वर्क है, तो मुकुट जैसे ड्रॉ किया मैं उसी तरह मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर रहा हूँ, जो भी पैटर्न है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। Thank you.
जो क्लॉथ है रेफरेंस फोटो को देखते हुए ही मैं यहाँ पर उसको ड्रा कर रहा हूँ। अभी मैं हेयर को 8B और 10B पेंसिल की मदद से मैं उसको ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि रेफरेंस फोटोग्राफ में बहुत ही ज़्यादा डार्क है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डार्कर पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ। और जो भी छोटी छोटी हेयर के हेयर हैं उसको मैं 6B या 4B पेंसिल से उसको ड्रा कर लूँगा। गाइस, इस ड्राइंग को, इस स्केच को मैं ड्रा करने के लिए अर्ली ग्राफाइट पेंसिल का ही यूज़ किया हूँ, कोई भी तरह का कोई अलग चारकोल पेंसिल का नहीं यूज़ किया हूँ। जो कि आयलैंड का है उसी पेंसिल से ही मैं ड्रा किया हूँ, ग्राफाइट पेंसिल के से। हेयर में भी मैं ग्राफाइट पेंसिल का यूज़ किया हूँ 10B और 8B का यूज़ करके। आप यहाँ पर आप ग्राफाइट से नहीं हो पाएगा तो आप चारकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।